ओम शांति। आज 5/9/2022 की बाणी है। बाबा आखदे ने मिठे बच्चे ज्ञान सागर बाप तो थानू बच्चियां नू जो अविनाशी ज्ञान रतन मिलते है उना ज्ञान रतना दा दान करना दी रेस करनी है। अज बाबा ने अपने बच्चियां नू प्रश्न पूछया, माला विच नंबर अगे जा पिछे होण दा कारण की है? अज बाबा दा उत्तर है, श्री मत दी पालना। जे श्री मत नू चंगी तरह पालन करदे है ओ नंबर अगे आ जांदा है, अते जो अज चंगी पालना करदे कल दे अभिमान दे वश श्री मत विच मन मत मिक्स कर दिंदे ओ नंबर पिछे चला जांदा है। कायदे अनुसार श्री मत ते चलन वाले बच्चे पिछे आंदे ही अगे नंबर ले सकदे है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बाप दादा दोमों कहंदे है ओम शांति। दोमां दा सौ धर्म है शांत। असी बच्चियां दे अंदर तो भी निकलना चाहिदा है। ओ मतलब महमा आत्मा दा अहम आत्मा दा सौ धर्म है शांत। हुण असी जानदे हां शांति तां विच पहला पहला बाबा सानू शांति तां विच लै जाणगे। पहला पहला कौन जाणगे? जिन्ना जो याद विच रहणगे ओ जिवें कि दौड़ी लगांदे है। हुण तुसी आत्मा अभिमानी बनदे है, उस विच बहुत मेहनत लगदी है। आधा कल्प तो तुहानू रावण ने दे अभिमानी बनाया है। हुण बेहद दा बाप परम पिता परमात्मा सानू देही अभिमानी बना रहे है अते अपने घर दा राह दस रहे है। जो घर दा मालिक है ओही दस रहा है। दूसरा कोई भी मनुख रास्ता दस नहीं सकदा, कायदा नहीं है। एक ही बाप आके दस दे है। उना दा नाम है दुख हरता, दुख तो लिवरेट करन वाला, जिस दी महिमा भी भक्ति मार्ग विच गांदे आंदे है। इमें नहीं सतयुग विच आत्मा इमें कहंदी है कि सानू बाप ने दुख तो छुड़ा करके सुख धाम विच भेजिया है। नहीं, फिर परलब्ध शुरू हो जांदी है। पतित तो पावन बनाउण दा पाठ एक ही है, फिर ए पाठ ही पूरा हो जांदा है। जो कल्प कल्प पाठ बजांदे है तुसी जानदे हो असी आधा कल्प पावन सी, फिर रावण राज विच आके हेठां उतरदे आंदे है। कला कमती हुंदी जांदी है। भारत विच ही देवता 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न सी, फिर उन्होंने पुनर जन्म लेंदे लेंदे हेठां जरूर आना है। कला कमती होई ही है, परंतु ए उत्थों पता नहीं रहिंदा है। ए सारा ज्ञान हुण थोड़ी बुद्धि विच है। पावन देवी देवता पातित किवें बनदे है आओ तां असी 84 जन्मा दी कथा सुनाइए। 84 दे चक्कर दी ए सत्य कथा है। उना दा झूठी कथा सुनांदे है, चक्कर दी आजू लंबी चौड़ी दस दिंदे है। बाबा आखदे ने ए 84 दे चक्कर दी कथा सुन नाल तुसी चक्करवर्ती राजा राणी पद भी पाउंदे है। ए गुप्त गल्लां सन्यासियां आदि नहीं जानदे, उना दा धर्म ही वख है। पहला मां बाप दे कोल जन्म लेंदे है ना, तां मंदिर आदि विच जाके पूजा करदे है, फिर जदों बैराग आंदा है तां घर बार छड चले जांदे है। बाप कहंदे है पूजिया तो पुजारी ही भी तुहाडे लई ही है, गाया भी जांदा है। ब्रह्मा दे मूँह तो ब्राह्मण निकले तां जरूर अडॉप्ट होए होणगे। ए बाबा ही पहले पातित सी फिर पावन बनदे है। तुसी ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनण दे लई पुरशार्थ करदे हो,
लक्ष्मी नारायण दे राज नूं स्वर्ग कहा जांदा है। उत्थे है ही अद्वैत धर्म अद्वैत देवता तां ताली बज नहीं सकदी, उत्थे माया है ही नहीं। ये देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। जब तुसी किथे लक्ष्मी नारायण दे मंदिर विच जांदे हो तां बोलो ये सत्य नारायण है ना, इन्हां नूं सत्य क्यों कहिंदे है? क्योंकि अज कल ते झूठ बहुत है। बहुतिया ने नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि है, किसी किसी का डबल नाम भी है। मदरसे बल चंगे चंगे नाम बोतियां दे है, भगत बदसल आदि, हुण तां भगवान ही होणगे, मनुख किवें हो सकदा है? हुण तुसी बच्चियां दी बुद्धि विच है आत्मावां दा परमपिता परमात्मा सामने बैठा है, बाबा दे बल तुसी वेखदे होणगे तां समझणगे पतित पावन मोस्ट बिलवड बाबा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा साढ़े नाल गल्लां कर रहा है, निराकार परम पिता परमात्मा आके आत्मावां नूं पढ़ाउंदे है। ये किसी शास्त्र विच नहीं है। समझदे कोई कहते है श्री कृष्ण दे तन विच परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण दा तां ओ रूप सतयुग विच सी, उस नाम रूप विच तां श्री कृष्ण आ नहीं सकते। श्री कृष्ण दा तुसी चित्र वेखदे हो वो भी एक्यूरेट नहीं है, बच्चे दिव्य दृष्टि नाल वेखदे है, उस दा तां फोटो निकाल नहीं सकते। बाकी ये मशहूर है श्री कृष्ण गोरा सतयुग दा पहला प्रिंस सी बाबा आखदे ने, जो फिर विश्व दे महाराजा महाराणी बनते है। लक्ष्मी नारायण तो ही राज शुरू हुंदा है, रजाई तो संबत शुरू हुंदा है ना, सतयुग दा पहला संबत है विकर्मा जित संबत। भावे पहले जदों श्री कृष्ण जन्मदा है उस वक्त कोई ना कोई थोड़ा बहुत रहिंदा है जिन्हां नूं वापिस जाना है। पाते तो पावन बनन दा ये संगम युग है ना, जदों पूरा पावन बनो बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज नवा संबत शुरू हो जाता है, जिसनों विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णुपुरी के दो रूप लक्ष्मी नारायण तो पालना होंगी है। हुण तुसी ओ बन का पुरशार्थ करते हो, तुसी कहोगे असी 5000 वरिया बाद पुरशार्थ करते हाँ, वर्षा तो बाप तो लेना है, पुरशार्थ चंगी तरह करना है, टीचर नूं पता ते रहिंदा है ना कि स्टूडेंट कित्थे तक पास होणगे। तुसी बच्चे भी जानदे हो कि साडी एक रस अवस्था कित्थे तक बनदी जांदी है, कित्थे तक असी बाप तो अविनाशी ज्ञान रत्नां दा दान लेके अते फिर दान दिंदे रहिंदे हाँ। ये अविनाशी ज्ञान रत्नां दा दान होर कोई कर नहीं सकता है। ज्ञान सागर बाप तो थानू ज्ञान रतन मिलते हैं, वो जिसमानी हीरे मोती नहीं है, तो फिर तुसी बच्चों ने अविनाशी ज्ञान रतना दा दानी भी बनना है। अपने नू वेखना चाहिदा है कि असी किन्ना दान करते हाँ, मम्मा बाबा किन्ना दान करते हैं, साढ़े विच जो चंगियां तो चंगियां भैणा है किन्ना चंगा दान कर दिया है। रेस चल रही है ना, फाइनल पास ता होए भी नहीं हाँ, कहणगे प्रोजेक्ट समय ए ए तिखे है, पहले जो माला बनांदे सन अते हुण जो माला बनाइए ता बहुत फर्क पै जावे, 4-5 नंबर वाले दाने जो है वो भी मर गए। कई जिन्हां नूं अगे नंबर विच रखदे सी ओ हुण थल्ले नंबर विच पहुंच गए है, नवें नवें उपर आ गए है। बाबा तां सब जानदा है ना, इसलिए कहा जांदा है गुड़ जाने गुड़ दी गोथरी जाने। बाबा दसदे भी रहिंदे है पहले थोड़ी अवस्था चंगी सी, हुण नंबर थल्ले चला गया है, क्योंकि कायदे अनुसार श्री मत ते नहीं चलते है, अपनी मत ते चलते है। कोई भी पूछ सकता है
बाबा जेकर इस समय साडा शरीर छुट जाए ता असी किस गति नू पावांगे। गीता विच कुछ ए अखर है, आटे विच नमक मिसल हन ना, सब पुकारदे रहंदे है, बाबा सानू रावण राज तो छुड़ाओ, दुख हरो, सच्चा सच्चा हरिद्वार ए होया ना, दुख हरता परम पिता परमात्मा नू ही कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण नू। परम पिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुसी सुख धाम दे मालिक बनते हो ना, योग बल नाल तुसी विश्व दे मालिक बनते हो। उन्हां दा है बहुबल शरीरिक बल, जो बुद्धि नाल बॉम्ब्स निकाले है। इत्थे सेना आदि दी तां कोई गल नहीं, दुनिया विच किसे नू पता ही नहीं योग बल नाल किवें विश्व दी बादशाही मिलदी है। बाप ही आके ए योग सिखलांदे है। बाप कहंदे है ममे कम याद करो, मैं ज्ञान सागर हाँ। महिमा गांदे है ना, ज्ञान दा सागर, सुख दा सागर, पवित्रता दा सागर, इमे कदे नहीं कहांगे योग दा सागर। नहीं, योग दा सागर कहना रोंग हो जावे। बाप ज्ञान दा सागर पातित पावन है, जरूर ज्ञान दी वारिश करदे होणगे। पहली गल बाप कहंदे है ममे कम याद करो, होर किसे नू याद करना अज्ञान है। सृष्टि दे आदि मध्य अंत दा ज्ञान बाप ही सुणांदे है, योग दे लई भी सिख्या दिंदे है, होर सब योग दे लई उल्टी सिख्या देणगे। उन्हां नू जिस्मानी योग कहा जांदा है, शरीर ठीक रखण दे लई ए है रूहानी योग। बाबा आखदे ने ए राजयोग दी गल किथे भी है नहीं, सिवाए बाप दे होर कोई राजयोग सिखा ना सके, जानते ही नहीं। तुसी ए राजयोग सिखदे सिखदे चले जाओगे, जाके राजा राज करोगे। राजयोग दे कोई चित्तर थोड़ी ना है, तुसी ए बनांदे है समझ दे लई। ओही कोई वेखण ते तां समझ नहीं सकदे, समझाना पे। ए ब्रह्मा राजयोग सिख के जा नारायण बंदे है, ए बाजू विच चित्तर है। ए सब गल्लां धारण करन बुद्धि दी गल है, इस विच टीचर की करनगे। टीचर बुद्धि नूं कुछ कर नहीं सकदे। कोई कहंदा साडी बुद्धि नूं खोलो, बाबा की करे। तुसी याद करते रहो अते पूरा पढ़ो ता बुद्धि पूरा खुलेगी। बच्चियां नू पूरा सिखाया जांदा है, बाबा कहो मम्मा कहो ता जरूर कहेगा ता ते सिखेगा, बिना कहे सिखेगा किवें। इस लई बच्चियां दा मूंह खुलाया जांदा है, मेहनत करनी है, बाप दा परिचय देना है। ओ है ऊंच ते ऊंच भगवान, सब दा रचयिता, उन्हां तों सब नूं स्वर्ग दा वरसा मिलदा है। फिर रावण राज विच वरसा गवांदे गवांदे नरक बन जांदा है। देवता पावन सी फिर पातित बने, फिर पातित पावन बाप आया है। कहंदे है मैनूं याद करो ता विक्रम विनाश होणगे, होर कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि नाल विकारां रूपी खाद निकालनी है। याद करदे करदे तुसी पावन बन गले दा हार बन जाओगे। घड़ी घड़ी बोलण दी प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़ी ना है, बाबा मूँह खुलदा नहीं है। श्रीमत ते चल, जिन्ना याद करोगे उतना ऊंची पदवी पाओगे। श्रीमत ते नहीं चलोगे ता ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा नहीं, खुशी दा पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत ते चलोगे ता बाबा कहणगे रावण दी मत ते है। बहुत दे अभिमानी बच्चे है, जो मुरली भी नहीं पढ़ते है। बाबा आखदे ने जो मुरली ही नहीं पढ़ते ओ की ज्ञान देणगे। अनेक तरह दियां नवियां नवियां पॉइंट्स निकलदियां रहिंदियां है। देही अभिमानी बनण दा पुरशार्थ करना है, इस पुरानी देह नूं भी छड देना है।
ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਲਾਨੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਸੁਲਟੀ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਹਮ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਸ਼ਮਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਰਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਟੀ ਸੁਲਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਬਣ ਦੁਖੀ ਆਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਭਵ। ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਬਣ ਦੁਖੀ ਆਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਭਵ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਆਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡੋ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਜ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਬਣਾਓ। ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।